Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. हम मिश्रीपुर से ले गए जिला अस्पताल में पहुंचे लेकर वहां किसी डॉक्टर ने हाथ भी नहीं लगाया। हम वहां तक पौन घंटा करीब रोके रहे हमको। इसके अलावा इन्होंने कहा आप कानपुर के लिए आप डिफर कीजिए, हम गरीब आदमी, मेरे पास एक पैसा नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। कौन था आपका जो ख़त्म हुआ? मेरा लड़का था। कितने साल का? एक साल। क्या दिक्कत थी? गर्दन सूजी थी। हाँ, वो कुछ बुखार था लड़का। तो किसी डॉक्टर ने उसको नहीं छुआ? किसी डॉक्टर ने नहीं उसको छुआ। क्या कह रहे थे, कुछ कोरोना बता रहे थे? कोरोना है क्या? नहीं, कोरोना नहीं, कोरोना रोना नहीं, तो किसी ने छुआ ही नहीं। हाँ, फिर क्या हुआ बच्चे का? वहाँ बच्चे के वहाँ बाद में मीडिया वाले आए, तब इन्होंने उन्हें कही देखा, तब इन्होंने लिटाया और भी बस तब तक वो ख़त्म हो चुके, उन्होंने वहीं से छोड़ दिया। कल की घटना के बारे में हमने वहाँ के CMS से पूरी रिपोर्ट मांगी थी और उनके द्वारा ये बताया गया कि कल शाम को करीब 4:15 बजे प्रेमचंद निवासी मिश्रीपुर अपने बेटे 1 साल के बच्चे अनुज को लेकर के हॉस्पिटल में आए थे और जहां उनको इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। इमरजेंसी के डॉक्टर के देखने के बाद, क्योंकि बच्चा था उसको काफ़ी सीरियस था, तो उसको बच्चे के डॉक्टर को बुला के दिखवाया और आधे घंटे की पूरी उसमें ही बच्चे को बचाया नहीं जा सका, बच्चे की डेथ हो गई। तो उनका कहना है कि जो हमारे इमरजेंसी के डॉक्टर थे उसको, उनको भर्ती करके उन्होंने देखा था, जो बच्चे के डॉक्टर थे उसको दिखाया था, क्योंकि बच्चे की स्थिति सीरियस थी, प्रयास उन्होंने किया लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। तो प्रथम दृष्टया उसमें उनके द्वारा बताया गया कि कोई ऐसी लापरवाही किसी लेवल पर नहीं की गई थी।